2024 की ऐसा लग रहा है बिसात सेट हो गई है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंजलि सिंह भी। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि किस तरह से एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है उनके बेटे ने विवादित बयान दिया है और बवाल बढ़ गया है। लेकिन राजनीति की आज की दो सबसे बड़ी खबरें, दोनों में विरोध है। एक देश एक चुनाव पर बनने वाली कमेटी में कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी को शामिल किया गया तो उन्होंने मना कर दिया और कांग्रेस की आपत्तियां हो सकती हैं। लगातार अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, उन्होंने पत्र भी लिखा है, चिट्ठी भी लिखी है, जिन्हें जाहिर करने का पार्टी को हक भी है, लेकिन तमिलनाडु से विरोध की जो आवाजें आई हैं उसे हजम करना शायद किसी के लिए आसान नहीं हो सकता। जी हाँ, और तमिलनाडु के सीएम के बेटे और राज्य के मंत्री हैं उदय निधि स्टालिन, उनके बयान से न सिर्फ सनातन को मिटाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं बल्कि ऐसा करने का ऐलान भी करते हैं, बयान भी देते हैं। उदय निधि सनातन की तुलना बीमारियों से करते हुए हद कर बैठते हैं। माहौल पूरी तरह से चुनावी है, लिहाजा सवाल यही रहेगा कि क्या हिंदुस्तान ऐसे विरोध का साथ देगा। हम इन दोनों विरोध की तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि न करोड़ों भावनाओं को आहत करने वाली बातें होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, न ही देश हित में नजर आ रही किसी योजना में छोटे मोटे मतभेद आड़े आने चाहिए। और पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, फिर बहस करेंगे। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन के विवादित बोल सामने आया है। कहा, सनातन धर्म मलेरिया डेंगू और कोरोना की तरह है, सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, ये कहना है एमके स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन का। सनातन ओळिप्पु மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை வந்து நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படி தான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்தது தான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. तो आपको हमने उदयनिधि का पूरा बयान भी सुनवाया है। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद से बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर जवाब मांगा गया है, कहा कि 80% आबादी के नरसंहार के लिए आह्वान कर रहे हैं उदयनिधि। डीएमके लंबे समय से कांग्रेस की सहयोगी रही है। अमित मालवीय ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या मुंबई की बैठक में इसी पर सहमति बनी थी। और सनातन को लेकर स्टालिन के बेटे के बयान पर आरजेडी के नेता हैं मृत्युंजय तिवारी और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का क्या कहना है, आपको उनका बयान सुनवाते हैं। सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सब लोग जानते हैं। हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है, ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक से अध्ययन करना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, तभी सनातन धर्म पर कोई सवाल खड़े करना चाहिए। ये जो इंडिया अलायंस है इसके मजबूत स्तंभ हैं स्टालिन साहब, और उनके बेटा कह रहे हैं सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं, इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और जो एनडीए अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं।
और इस बयान के बाद बीजेपी तो आग बबूला है ही, लेकिन आरजेडी ने भी खुलकर विरोध किया। अब सनातन को लेकर स्टालिन के बेटे के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म का को पॉलिटिसाइज कर दिया है, और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसका उसे पॉलिटिसाइज किया। तमिलनाडु की भारत की विभिन्न प्रांतों में जो आस्था के केंद्र है, अभी पिछले दिनों में हमने तमिल काशी तमिल संगमम आयोजन किया। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है, तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है, ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं, ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। तो सनातन के मुद्दे पर, सनातन पर स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन का बहुत विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। सनातन का विरोध करने के बजाय खत्म कर देना चाहिए, इसे इरेडिकेट करना चाहिए, ये कहा उदय निधि स्टालिन ने। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है, ये भी कहा गया उनकी तरफ से। ये कहा गया कि सनातन ऐसा सिद्धांत है जो लोगों को जाति धर्म पर बांटता है, ये कहा उदय निधि स्टालिन ने। सनातन उखाड़ने का मतलब मानवता समानता को बनाए रखना है। इसके अलावा उनकी तरफ से कहा गया कि डेंगू मलेरिया कोरोना से सनातन की इतनी गंभीर बीमारियों से सनातन की तुलना की गई है उदय निधि स्टालिन की तरफ से, और बहुत विवादित बयान सामने आया है। राम कदम हमारे साथ हैं, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ राम कृपाल सिंह जी भी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राम कदम जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी के अमित मालवीय की तरफ से बहुत आक्रोशित बयान आया है और उनका ये कहना है कि 80% क्या हिंदुओं के नरसंहार की तैयारी की जा रही है इस तरह के बयान देकर, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, जिस प्रकार का बयान दक्षिण के नेता की ओर से आया है, उन्होंने या तो अध्ययन नहीं किया, अधूरे अध्ययन के आधार पर वे बोल गए, या तो जानबूझकर के हिंदुओं को छेड़ने के लिए और अन्य धर्मों के लोगों को खुश करने के लिए यह उनकी सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। क्या अर्थ है सनातन का? जिसे ना कोई आदि है ना जिसे कोई अंत है, जो सदा रहने वाला है वह है सनातन। यदि हम धर्मों की अगर बात करें तो हम ईसाई धर्म ले, 2000 वर्षों का इतिहास है। इस्लाम अगर ले तो 1450 वर्षों का इतिहास है। जैन धर्म ले या बौद्ध धर्म ले, 2200-2700 वर्ष का इतिहास है। सिख धर्म का 450 वर्षों का इतिहास है। वैसे हम गूगल पर भी अगर हम यकीन करें, आवश्यकता नहीं, उससे पुराना है सनातन धर्म, तो गूगल भी कहता है कि यह सनातन धर्म 5-6 हजार वर्ष पुराना है। और यदि हम मन्वंतरों की बात करें तो एक मन्वंतर में जो 72 युग आते हैं, वो 72 युग बीतने के बाद एक मन्वंतर बनता है। ऐसे 7वें मन्वंतर का यह 28वां युग चल रहा है, और 28वें युग में ये कलयुग का मध्यान चल रहा है जी। अब एक युग की अगर बात करें तो वो भी लाखों वर्षों का है, और मन्वंतर की बात करें अब जो वर्तमान चल रहा है तो करोड़ों वर्षों का है। तो ना इसकी आदि को हम देख पाएंगे, ना इसके अंत को हम देख पाएंगे। इतना पुराना सदा रहने वाला यह धर्म है, यह पुराण में भी इसका वर्णन है, 18 पुराणों में वर्णन है, हमारे उपनिषदों में वर्णन है, 2 महाकाव्य जो है हमारे रामायण महाभारत उसमें भी इसका वर्णन है। तो अधूरे अध्ययन के आधार पर देश के संतों को, महात्माओं को, साधुओं को और समस्त सनातन धर्म को ये बदनाम करने की क्या सोची समझी साजिश है कि हमारा सवाल उठता है। ज्ञान ही नहीं है सनातन धर्म का, इसीलिए ये विवादित बयान उन्होंने दिया है। आपकी बात हम समझ गए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह भी जुड़े हुए हैं। राम कृपाल जी, एक तरफ तो 2024 के चुनाव की तैयारी को देखते हुए इंडिया अलायंस बनाया गया, सभी विपक्षी दलों को एकजुट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। दूसरी तरफ उसी अलायंस में मौजूद विपक्षी पार्टी की तरफ से स्टालिन, जो स्टालिन के बेटे हैं उदय निधि स्टालिन, उनकी तरफ से इस तरीके का बयान देना,
क्या आपको नहीं लगता है कि दूसरी पार्टियों को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में, अजीब परिस्थिति में डाल दिया है? अंजलि जी, उदय निधि जी ने अपने लघुत्तम जीवन का महत्तम बयान दे डाला है जी। कम से कम अपने पिताजी से पूछ लेते कि जो मैनिफेस्टो जब भर रहा था तब उसमें लिखा गया था, स्टालिन जी ने वादा किया था इनके पिताजी कि तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं तमिलनाडु के उनको वो फ्री में तीर्थ यात्रा कराएंगे, ये इनके मैनिफेस्टो में है जी। शायद ये भूल गए हों। दूसरी बात जो आप पूछ रही हैं, पटना, बेंगलुरु और मुंबई की इतनी बैठकों के बाद दिक्कत इस इंडिया अलायंस की यही है कि ये बेचारे एक कदम आगे चलते हैं तब तक कोई इन्हीं में से दो कदम इनको पीछे खींच लेता है जी। आवाज देखिए कि उनके बयान पर कांग्रेस के राशिद अलवी जी क्या कह रहे हैं, आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी जी को मजबूर होकर क्या कहना पड़ रहा है, तो आप इसी से सोच सकते हैं। ये देखिए, मैं बताऊं, और बड़ी बात ये है रामकृपाल जी, बड़ी बात ये है जी जी, मैं अंजलि जी एक एक लाइन और कह दूं जी। ये कोई देखिए आप क्या हुआ है कि जो माहौल बदल रहा है उस माहौल के चलते अगर आप देखिए तो सीपीएम के सीताराम येचुरी भी अब महाभारत की बात करने लगे हैं, ममता जी चंडी पाठ करने लगी हैं, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं और हिंदू ये देश उस तरह से तो है ही है। तो आप सोचिए, तो ये जो माहौल बना हुआ था उसमें लोग एडॉप्ट कर रहे थे कि किसी तरह से इस देश का वोटर हमें मान ले कि हम भी सनातन और हम हिंदू धर्म में हमारी आवाज बुलंद करते करते इतना दूर निकल गए कि इतना विवादित बयान दे दिया, जो विरोधी नेता भी जो उनके साथ खड़े थे इंडिया की बैठक में वो भी विरोध कर रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस बहस में प्रमोद कृष्णम जी, जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, इतना बड़ा बयान सामने आ गया, साफ तौर पर जो उदयनिधि स्टालिन है वो बीमारियों से तुलना कर रहे हैं सनातन धर्म की, और कह रहे हैं कि इसका इसका इरेडिकेशन होना चाहिए तभी समाज में समानता आएगी, आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुओं को गाली देना एक फैशन सा बन गया है देश में, हिंदू धर्म को मानने वालों की आस्था के ऊपर सवाल उठाना, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या उधर ये जो स्टालिन के बेटे हैं जो मिनिस्टर हैं, सवाल इस बात का है कि सनातन धर्म को मिटाने की जो कोशिशें हैं, साजिशें हैं, ये हजारों साल से हो रही हैं। बाबर, तैमूर लंग और नादिर शाह, चंगेज खां, इसके साथ साथ अंग्रेजों में लॉर्ड मैकाले, ये सब लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं सनातन धर्म को मिटाने की जी। लेकिन सनातन को मिटा नहीं पाए। ये लॉर्ड मैकाले की नाजायज औलादें कुछ हैं जो सनातन को मिटाना चाहती हैं। सनातन न मिटा है न मिटेगा। सत्य सनातन धर्म क्या है? जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। तो सवाल इस बात का है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और ये एक अपराध भी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मंत्री महोदय हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और पूरे देश में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से मैं विनती करता हूँ कि इसके इनके खिलाफ हर जगह मुकदमा दर्ज किया जाए। इन्होंने करोड़ों लोगों, आचार्य प्रमोद जी कांग्रेस के नेता होने के बावजूद आपने ये कहा है कि इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं मैं और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ बीजेपी से राम कदम जी भी जुड़े हुए हैं। राम कदम जी, अभी आपने सुना आचार्य प्रमोद कृष्णम को, कांग्रेस के नेता भी, उन्होंने कहा कि इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं, और न सिर्फ इतना ही कहा बल्कि कहा कि मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। तो देखिए, कांग्रेस तो कह रही है भाई कि ये बयान ठीक नहीं है और कोई भी इस बयान का समर्थन नहीं करेगा, ये तो नफरत के बीज बोने वाला बयान है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, या तो अधूरे अध्ययन के आधार पर, और जिस प्रकार का टाइमिंग है और ये जो विपक्षी दल एक साथ आने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो उसको लेकर के ये अधूरे अध्ययन के आधार पर नहीं है, ये सोची समझी ओछी राजनीति करने के लिए उन्होंने बयान दिया है। अब सवाल उठता है कि श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का इस बयान पर क्या रुख है? क्या वे इस बयान की निंदा करेंगे? क्या राहुल गांधी
जो चुनाव समीप आने पर जनेवी पहनते हैं, ये तो उनकी व्यक्तिगत सोच थी, ये व्यक्तिगत सोच थी। क्या विपक्ष में शामिल सभी पार्टियों को इसे जोड़ करके देखना चाहिए कि सभी की ऐसी ही सोच है, क्योंकि निंदा भी कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं। आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी ने भी निंदा की, अभी प्रमोद कृष्णम ने भी निंदा की। देखिए, जो दल का मुखिया होता है उसे व्यक्तिगत सोच नहीं होती, वो उस दल की सोच होती है। और जब सब दल साथ में इकट्ठे आकर के यदि नेतृत्व की भाषा कर रहे हैं तो अन्य दलों को भी इस बात पर उनको टिप्पणी देनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये तुम्हारी व्यक्तिगत सोच है करके वो बच जाए, ये तो बचने का रास्ता है। इस तरह के बयान देकर उदयनिधि स्टालिन ने अन्य दलों को भी असहज कर दिया है कि अब बोले क्या, क्योंकि विरोध तो कर रहे हैं लेकिन इतना बड़ा बयान, इतना विवादित बयान दे दिया कि विरोध किस तरह से करना चाहिए ये भी नहीं समझ में आ रहा है। बहरहाल आऊंगी मैं आपके पास राम कदम जी, हमारे साथ रामकृपाल जी भी जुड़े हुए हैं, और साधु संत बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं उदयनिधि स्टालिन के बयान से, साधु संत भड़क उठे हैं। आपको हरिद्वार के महंत रविंद्र पुरी का बयान सुनवाते हैं। बयान निंदनीय है और जो संविधान की उन्होंने शपथ लिया है उस संविधान को उनको पढ़ना चाहिए। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान श्री राम के चित्र हैं और ये जो वक्तव्य है डेंगू मलेरिया आदि जो ख़त्म करने के लिए, तो ये जब कभी समाज से ख़त्म नहीं हो, सनातन अपने आप में प्राचीन है, सनातन ना कभी ख़त्म हुआ है ना कभी होगा, ये मानसिक दिवालियापन है। वोटों की राजनीति के तहत में इस प्रकार का बयान दिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता है ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। तो देखिए, चाहे सियासी पार्टियां हो या साधु संत हो, सभी ये मांग कर रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन को अपने इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए, लेकिन अपडेट ये है कि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है, मैंने जो भी कहा वो कुछ गलत नहीं कहा। बहरहाल अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर ये है कि कहा यह जा रहा है कि एक देश एक चुनाव पर जो कमेटी बनी उसको लेकर मतभेद देखने को मिल रहा है। अधीर रंजन चौधरी का कमेटी में शामिल होने से इनकार, पहले ही हो चुका है फैसला, ये कहना है अधीर रंजन चौधरी का। ऐसी कमेटी में शामिल होने से क्या फायदा, सवाल भी पूछा उन्होंने, और साथ ही वो कहते हैं कि कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों नहीं है। और अब हम आपको बताते हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है। ऐसी कमेटी का सदस्य नहीं हो सकता मैं जिसने पहले ही फैसला कर लिया हो, ये कहना है अधीर रंजन का कि वो ऐसी कमेटी का सदस्य नहीं बनना चाहते जो पहले से ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी हो। आगे उन्होंने कहा कि ये संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का अपमान है, ये भी कहा गया अधीर रंजन चौधरी की तरफ से। कमेटी आंखों में धूल झोंकने जैसा है कि ये धोखा है, ये भी कहा गया। आम चुनाव से पहले सरकार विचार थोप रही है सब पर, ये भी कहा अधीर रंजन चौधरी ने जब मना किया। सरकार की मंशा चिंता बढ़ाने वाली है, ये भी उनके बयान है। और कमेटी में विपक्ष के आधिकारिक नेता खड़गे का नाम क्यों नहीं शामिल किया गया। जी हाँ, और एक और अपडेट ये मिल रही है कि एक चुनाव पर बनी कमेटी पर विपक्ष के सवाल भी हैं। इंडिया गठबंधन ने खड़गे का नाम ना होने पर सवाल उठा दिए, जैसा आपने सुना भी अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया है, विपक्ष के आधिकारिक नेता खड़गे का नाम आखिर क्यों नहीं है, क्यों उनका नाम नदारद है। सवाल ये भी पूछा गया कि इंडिया ने इसे लोकतंत्र से खिलवाड़ बताइए। देखिए वो जो लेटर है अधीर रंजन चौधरी का, वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इस कमेटी में शामिल नहीं होऊंगा। और आइए आपको बताते हैं कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई सरकार की तरफ से। इस कमेटी में कौन कौन है, एक देश एक चुनाव पर ये समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष चुने गए हैं रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनके सदस्य कौन कौन है हम आपको बताते हैं। अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, ये इसके सदस्य हैं। अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, ये भी इस कमेटी में शामिल किया गया जिन्होंने मना कर दिया। गुलाम नबी आजाद को भी शामिल किया गया है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे राज्यसभा के, इनका नाम भी शामिल है। हरीश सालवे का नाम शामिल है जो पूर्व सॉलिसिटर जनरल रहे। संजय कोठारी का नाम भी इस कमेटी में शामिल है, पूर्व सीबीसी रहे। इसके अलावा एनके सिंह का भी नाम इसमें शामिल है जो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे। और आपको बता दें कि सुभाष कश्यप का नाम भी इस कमेटी में शामिल है संविधान विशेषज्ञ के तौर पर। और अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं वर्तमान में, विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान है, बवाल काफी बढ़ चुका है और अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी भी बाकायदा लिख दी है जिसमें ये कहा गया है कि इस बात को थोपा जा रहा है। राम कदम जी हमारे साथ बने हुए, रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हमारे साथ बनी हुई हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, और जस्टिस जकीउल्लाह खान हमारे साथ बने संविधान विशेषज्ञ के तौर पर। मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी आपसे शुरुआत कर रही हूं, आप कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, पहले आपत्ति इस बात की थी कि क्योंकि इंडिया की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई
कि किस तरह से एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी बना दी गई। जब कमेटी बनाई और उन्हें शामिल किया गया तो फिर अस्वीकार्य क्यों है? देखिए, जहां तक मुझे मालूम है आज सुबह तक इस देश में लोकतंत्र है और था, और लोकतंत्र पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ सभी पार्टियों के विचार विमर्श उनको साथ में लेकर चला जाता है। आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए एक कमेटी बना रहे हैं और उसमें रोज राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष का नाम ही नहीं, ये कैसे? तो अभिरंजन चौधरी क्या आपकी पार्टी के नेता नहीं है? वो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। आपने राज्यसभा के पुराने नेता प्रतिपक्ष एक्स फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा गुलाम नबी आजाद जी को रखा। लोकसभा में तो डॉक्टर पूजा बोलते ही हैं अधीर रंजन चौधरी, तो अपने कमेटी के सामने भी अगर कोई आपत्तियां हैं तो बोलने तो अगर कमेटी के सामने भी कोई आपत्तियां हैं अधीर रंजन चौधरी को तो वो बोलेंगे, बहस का तो मौका दें। देखिए, कमेटी फॉर्म हो रही है और उसमें राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं है, यही बात अधीर रंजन जी ने भी कहा है ना। आप कमेटी को ऐसा एज अ हॉगवॉश क्यों बना रहे हैं? इस देश की विविधता के साथ, इस देश के संघीय ढांचे के साथ छेड़छाड़ का मामला है और आप इतने इम्पोर्टेंट कमेटी में आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन बनाती है ना। इस देश की डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को दोनों सदन चलाते हैं, तो दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं है? पूजा जी, आप ये कह रही हैं आपके हिसाब से अधीर रंजन चौधरी को भी इस कमेटी में रखना चाहिए था और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस कमेटी में रखना चाहिए था, यही कह रही है ना आप? ठीक है, राम कदम जी हमारे साथ जुड़े हुए। राम कदम जी, सुना आपने कांग्रेस की प्रवक्ता को, उनका कहना है कि सिर्फ अधीर रंजन चौधरी को ही क्यों शामिल करने की बात कही गई, हम चाहते थे मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम शामिल किया जाए, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं देखिए, कांग्रेस का ये पूर्णतः दोगलापन है, इनकी नौटंकी देखिए। क्या उनका चौधरी जी पर विश्वास नहीं है? क्या वे मानते हैं कि अभिनंदन चौधरी जो है वे ठीक से इसमें विचार विमर्श नहीं कर सकते, ऐसा उनका मानना है? क्या मानना है उनका? स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1967 तक जितने चुनाव हुए 1951-52 से लेकर के 67 तक, वे सारे चुनाव लोकसभा और विधानसभा इकट्ठे हुए हैं। और उसके पश्चात 1983 में इलेक्शन कमीशन ने स्वयं कहा कि एक ऐसी सिस्टम बने कि जहां पे एक देश और एक चुनाव हो, हर दूसरे दिन एक चुनाव देश के किसी न किसी प्रांत में हो, किसी तहसील में हो, तो उससे नुकसान किसका हो रहा है? लोगों के पैसे का हो रहा है। यदि आंकड़ों की बात करें, नहीं, राम कदम जी, उनका सवाल ये नहीं, उनका सवाल है, उनका चुनाव में 11 करोड़ के दोनों सीनियर लीडर्स का नाम होना चाहिए था, और लोकसभा से संविधान से खिलवाड़ है ये पूरा बिल, ये भी कह रही है वो। क्या मूल विचार को भी विरोध करती है? ये देश में एक ही बार चुनाव हो, सारे चुनाव एक साथ हो, देश का करोड़ों रुपया बचे। जो 2014 में 30,000 करोड़ रुपया खर्च आया था लोकसभा के चुनाव को, वही खर्च 2019 में 60,000 करोड़ आया है। क्या ये अगर पैसा बचता है कि इसमें मल्लिका अर्जुन खड़गे को शामिल क्यों नहीं किया गया, ये पूछा है उन्होंने, इस पर आप क्या कहेंगे? ये अगर इस सारे कमेटी को अगर देखो आप, तो देश के पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी है। अब वे किसी दल के नहीं होते, अन्य भी लोगों की अगर सूची अगर देखो तो वे सारे इसके अंदर अपना योगदान दे सकते हैं, ऐसे लोग हैं। और यदि खड़गे जी है, कांग्रेस दल है, उनको अपने कोई सुझाव देने हैं तो चौधरी के थ्रू दे सकते थे। कंफ्यूजन जरा दूर कर देते हैं, मना किया जो बहस छिड़ी है, केवल केवल मीडिया के सामने। जी ठीक है राम कदम जी, क्योंकि हमारे से संविधान विशेषज्ञ खुद भी पैनल में जुड़े हुए हैं, के सामने तो नौटंकी करना, उनसे सवाल कर लेते हैं, फिर लौटेंगे आपके पास, उनसे सवाल कर लेते हैं। जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, क्या ऐसा कोई नियम है कि अगर एक देश एक चुनाव के मसले पर एक कमेटी बनाई गई है तो जैसा कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के उनके विपक्षी नेता को इस कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए और उसके बाद ही इस पर आगे विचार किया जाएगा, ऐसा कोई नियम है क्या? ऐसा है कि हम लोग प्रजातांत्रिक गणराज्य में रह रहे हैं, यहाँ प्रजा का ही हुकूमत है, प्रजा के ही हित के लिए हम लोग काम करते हैं, हर वो काम जो प्रजा के लिए किया जाता है वो सराहनीय होना चाहिए। एक देश एक चुनाव बहुत अच्छी बात है और ये अब तक चलता चला आ रहा है, इसमें किसी ने कोई वो नहीं किया, किसी ने एतराज़ नहीं किया,
लेकिन ऐसा है कि ये कैसे पता लगे कि, लेकिन इस बात का अगर आप सडनली ये बात एक बार ख़त्म हो चुकी है और दोबारा इंट्रोड्यूस करना चाहें, तो प्रजातंत्र का तकाजा है कि आप उन सब चीज़ों उन लोगों से कंसल्ट करें जो कि प्रजा का पार्ट हैं, अर्थात प्रजा को पूरी तरह बुला नहीं सकते, तो प्रजा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दैट मीन्स MPs जो पार्लियामेंट को या राज्यसभा को सुशोभित कर रहे हैं, वो प्रजा के एक ऐसे वो है रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपने प्रजा से कंसल्ट कर लिया, प्रजातांत्रिक उन लोगों से कंसल्ट कर लिया, तो इसलिए जहां तक वो कंसल्टेशन की बात है वो कंसल्टेशन बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कंसल्टेशन 67 के बाद से अगर अब किसी को याद आती है कि एक साथ एक चुनाव होना चाहिए तो बाद वो समझ में नहीं आती क्योंकि आखिर अब तक क्यों नहीं हुआ। ये बात सही है कि प्रजातंत्र अगर एक इलेक्शन हो और एक चुनाव वो पूरा हो सबका हो, असेंबली है पार्लियामेंट का, तो उसमें प्रजा का फायदा है, प्रजा का पैसा बचेगा। ये सब हमारा ही पैसा जो है ये लोग पॉलिटिकल पार्टी से खर्च कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी इधर उधर बिखेर रहे हैं, ये प्रजा का पैसा है और प्रजा का पैसा संचित होना चाहिए और उसको संचय करने के लिए एक चुनाव एक बात बहुत आसान है, लेकिन ये कैसे हो इस समय जबकि ऐसा परिस्थितियाँ आ गई हैं, तो सब मतलब संसदीय प्रणाली के थ्रू होना चाहिए। जब संसदीय जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे आप बात करिए, उनको बुलाइए, उनको कन्विंस करिए और कर लीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए इसलिए, और कहीं ये लिखा नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, और ये कहना कि फलां को नहीं किया फलां को नहीं किया ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंसल्ट करके आप पार्लियामेंट में रखें और पार्लियामेंट सामने उसको पब्लिश करें और उसको नोटिफाई करें और यहाँ तक कि कमेंट्स लेके तब ये प्रणाली लागू करें। बड़ी बात, प्रणाली लागू होना आवश्यक है और होना चाहिए प्रजा हित में। आपने बहुत बड़ी बात कही, संविधान विशेषज्ञ के तौर पर खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है और जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए, न कि इस तरह से किनारा कर लेना चाहिए कि हमें शामिल ही नहीं होना है कमेटी में। रामकृपाल जी, मैं चाहूंगी आप इस पर जवाब दें, ये तो शायद अधीर रंजन चौधरी ने आसान कर दिया और बहस, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार की इस मुद्दे पर बहस हो, इसीलिए कमेटी भी बनाई गई, आगे विधेयक को लाने की भी तैयारी है, तो ऐसे में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जब शामिल किया है तो अपनी बात रखनी चाहिए थी, क्यों ऐसे मना कर दिया गया कि हमें शामिल ही नहीं होना है? वो तो ये कह रहे हैं कि धोखा है और इसमें थोपा जा रहा है साफ तौर पर। मैं चौधरी साहब के जितने भी आरोप हैं वो बिल्कुल बेदम हैं। पहली बात तो उन्होंने जो ये कहा है कि फैसला कर लिया गया है, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कम से कम उनको इतना होना चाहिए ज्ञान कि ये जो कमेटी बनी है यह एक सलाह देगी, जो भी फैसला होना होता है वो संसद फैसला करती है और ये ऐसा मुद्दा है जो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और इसमें ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी दो तिहाई बहुमत बीजेपी के पास है, जब तक मेजॉरिटी दो तिहाई बहुमत सदन में नहीं होगा तब तक इसे लागू ही नहीं किया जा सकता, तो आप ये कैसे कह रहे हैं। दूसरी बात देखिए, कहा जाता है अटैक इन एंटीसिपेशन इज नॉट डिफेंस, आप आशंका के चलते हमलावर हो जाएं, इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इसमें जो आपकी नीति है वो पराजित होती दिख रही है। तीसरी बात देखिए, सिंपल सी बात है, बीजेपी से कितने लोग हैं, एक पार्टी 300 प्लस सीट लेकर के आज देश में राज कर रही है, उनके सिर्फ एक गए हैं अमित शाह जी हैं और दूसरे जो है वो आमंत्रित सदस्य हैं। तब भी अगर आपको खड़गे जी को उसमें शामिल कराना है तो आप ये सिंपल ये करते कि भाई कहते कि हमको इनको भी शामिल कीजिए, और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की राय जो होगी अधीर रंजन जी वही कहेंगे। वाजिब सवाल उठाया सर आपने, वाजिब सवाल उठाया है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, एक काम करते हैं उनसे ही पूछ लेते जो सवाल आपने पूछा है। बहुत सही उदाहरण भी दिया आपने रामकृपाल सर, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपने सुना होगा, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि सिर्फ आशंका के डर से आप हमले की तैयारी नहीं कर सकते, आप हमला नहीं कर सकते किसी के ऊपर, अगर आपको कमेटी में शामिल नहीं किया जाता तो आपको आपत्ति होती कि कमेटी में रखा नहीं गया, अब जब कमेटी में रखा गया है तो कम से कम आप अपने विचार अपनी राय तो रखते बजाय एक लेटर जारी करने के कि हमें शामिल ही नहीं होना है।
देखिए आशंका के डर से हम डिफेंसिव नहीं हो रहे हैं। इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का पर अगर पिछले 9 साल के इतिहास में आप जाएं तो अब आज 93% बिल्स पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास डिस्कशन के लिए नहीं जाते, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए नहीं खोलते, पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट हो जाता है एक जेपीसी की डिमांड पे। प्रधानमंत्री जी 100 दिन तक मणिपुर में नहीं बोलते, आखिर में नो कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है तो मणिपुर पे बैठते हैं। आपने सदन को कॉन्फिडेंस पे रखा क्यों? और जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, इस देश का संघीय ढांचा इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। आज राज्य हम भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? यहाँ की 2490 पार्टियां इस देश की डेमोक्रेसी को जिंदा रखती हैं। यहाँ पे स्टेट की सिर्फ राजनीतिक कल्चरल डिफरेंसेस नहीं है, उनकी राजनीतिक आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी भी है। आप अगर एक वन नेशन वन इलेक्शन का करते हैं तो आप सबको एक रंग में रंग देते हैं। यही नड्डा जी जब कर्नाटका गए थे तो उन्होंने कहा था अगर आप भाजपा को वोट नहीं देंगे तो आपको मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन यही पूजा जी, आपने अविश्वास प्रस्ताव जब आप लाए तो आप चाहते थे प्रधानमंत्री वक्तव्य दें सदन के भीतर। आपकी वो जो जिस मकसद से आप आगे बढ़े, अविश्वास प्रस्ताव के तहत बहस हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री का वक्तव्य भी सामने आया। लेकिन एक बहुत वाजिब सवाल है, मैं रामकदम जी आपके पास आऊं, उससे पहले जस्टिस जकी उल्ला खान के साथ उनके पास आ रही हूं। खान साहब, एक बात मैं जानना चाह रही हूं, जो रामकृपाल जी ने कही कि अगर इस मुद्दे पर अगर वो चिट्ठी लिख रहे हैं अमित शाह को अधीर रंजन चौधरी कि हम ये हमें अस्वीकार्य है और पहले से ही निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि इसका फैसला क्या होगा, क्या ये नहीं कह सकते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इसमें शामिल किया जाए? और क्या फिर ऐसा संशोधित किया जा सकता है, कमेटी में एक बार नाम तय हो जाए उसके बाद शामिल किया जा सकता है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कमेटी का संशोधन किसी भी समय किया जा सकता है और किसी को ऐड किया जा सकता है और निकाला जा सकता है। कि हमारा पर्पज ये है कि इसमें देश का हित हो और देश का हित करने के लिए एक ऐसी कमेटी चुनी गई है जिससे जो पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरेस्ट अलग होता है और देश का अलग इंटरेस्ट अलग है, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज उसको देश के धन को इस तरह दुरुपयोग करें तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए कम से कम हर इलेक्शन में खर्च हो, जिस तरह से ब्रिटेन में इलेक्शन होता है कि सुबह इलेक्शन हुआ कन्वेंसिंग हुई और शाम तक आप ये बात कह रहे हैं जो हमें समझ में भी आ रहा है कि देश में जो पैसा है वो चुनाव पे बहुत ज्यादा खर्च होता है, अगर उन पैसों की बचत करनी है तो एक देश एक चुनाव एक अच्छा विषय है। राम कदम जी, आपने सुना कांग्रेस की प्रवक्ता पूजा जी को, वो तो आपके पूरे बिल पर ही सवाल खड़े कर रही है, बिल का ही विरोध किया जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी तो यहां तक कह रहे हैं कि ये संविधान के साथ खिलवाड़ है, इस पूरे थ्योरी पर सवाल उठाया जा रहा है। ये कांग्रेस का पाखंड है, अब तो केवल बहस शुरू हुई है, अब बहस का आरंभ है। और यदि कोई चुनाव नुमाइंदा उस पर अपने विचार रखना चाहता है तो विशेष सत्र है, अलग अलग लोकतंत्र ने आयुध दिए हैं, उन आयुध के द्वारा सत्र में वो चर्चा उपस्थित कर सकता है, सवाल पूछ सकता है। पर जिस विषय को केवल पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा एक कमेटी गठित की गई वो इस पर विचार विमर्श करेंगे, इस पर कांग्रेस दल को आपत्ति है। यानी कांग्रेस दल की मंशा पर ही सवाल उठते हैं। जो बात 1999 में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी जी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने 2015 और 2018 दोनों स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो इसका अगर इतिहास अगर देखें, अब क्या होगा क्या नहीं होगा कमेटी तय करेगी पार्लियामेंट तय करेगा वो अलग विषय है, पर इस मूल चर्चा को कांग्रेस दल क्यों भटकाना चाहती है? क्या देश का विकास नहीं चाहते? करोड़ों रुपया आज इलेक्शन पे खर्च हो रहा है, एक ही समय वो खर्च हो और बचा हुआ पैसा देश के विकास में लगे, क्या इस बात पर कांग्रेस को आपत्ति है? किस बात पर कांग्रेस को आपत्ति है? ठीक है, हर 2 महीने में चुनाव आएगा देश के किसी न किसी प्रांत पर जी। तो विकास का काम क्या रुकेगा नहीं? जो सुरक्षा बल है एक जगह से दूसरी जगह भेजने होते हैं उसके पीछे लगने वाला खर्च, इस सवाल का जवाब चुनाव के पीछे लगने वाला खर्च, एक देश इन सारी मेरिट पर जो बातें हैं जी राम, उन बातों को कांग्रेस दल कैसे नकार सकता है? ठीक है, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब हम जरूर लेंगे कांग्रेस की प्रवक्ता से। सरकार संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव बिल ला सकती है, सरकार इस फैसले को देश के हक में बता रही है जबकि विपक्ष लगातार हमलावर है। सवाल यह है कि संविधान क्या कहता है? देश के 4 बड़े संविधान विशेषज्ञ और जानकारों को हम सुनेंगे और समझेंगे कि मौजूदा वक्त में एक देश एक चुनाव बिल की राह कितनी आसान है।
संभावनाएं तो बिल्कुल हो ही सकती हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। कारण उसका ये है कि सन 1967 तक भारत में दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन ही चल रहा था। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं, उनको लगता है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सन 67 के बाद में इसमें जो गड़बड़ियां होनी शुरू हुई वो दरअसल आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगाने के जो मिसयूज हुए लगातार उसके कारण हुआ, क्योंकि विपक्ष की कई सारी सरकारें समय से पहले लगातार बर्खास्त की गई। 2015 में सरकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन फिर से करना संभव है, तो इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार को बताया कि बिल्कुल संभव है और हम करा सकते हैं अगर संविधान में संशोधन हो जाए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन हो जाए और हमें ईवीएम वीवीपैट जो पर्याप्त नहीं है उनकी मैन्युफैक्चर और खरीदने के लिए पैसा हो जाए। मेरे हिसाब से बहुत ही सही ये होगा मूव, और अगर एक साथ होगा तो पूरे देश का इतना जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, जो इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन की जो वो लग जाती है क्या कहते हैं बैन ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी, वो पीरियड बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए ओवरऑल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। देश लगभग पूरे वर्ष जो है वो चुनाव के मोड में ही रहता है, कभी किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, कभी किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं। उससे होता क्या है कि हमारे जो लीडर हैं उनका बहुत सारा समय चुनाव में चला जाता है, और जो गवर्नेंस के इशू हैं उन पे जो उनको ध्यान देना चाहिए वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, और वोटर्स को भी बार बार वोट डालने के लिए चुनाव के लिए जो है बार बार पोलिंग बूथ पर जाना पड़ता है। तो इस मुद्दे पर हर वर्ग की बात आपने सुनी, जो कह रहे हैं एक देश एक चुनाव को लेकर बहस जारी है और बहस अरसे से जारी है। न सिर्फ बहस, तकरार भी हो रही है, रार भी हो रही है। अधीर रंजन ने सवाल भी उठा दिए हैं और इस कमेटी में ना शामिल होने को लेकर चिट्ठी भी लिख दी है। बहरहाल ये जो राजनीतिक गर्मी है वो लगातार चलती रहेगी। इस मुद्दे पर आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में जुड़ने के लिए।